सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स। सना मकबूल ने हाल ही में अरमान मलिक, कृतिका मलिक और पायल मलिक पर एक बड़ा कमेंट किया है। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इंट्रो न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 से बाहर निकलने के बाद अब सना मकबूल अपने करियर को शेप दे रही हैं। इसी के साथ ही अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्टेड रहने के लिए वो नए नए इंटरव्यूज़ दे रही हैं। अब हाल ही में एक इंटरव्यू में सना की तारीफ की गई। दरअसल बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में नज़र आ चुकी सना पहली ऐसी कंटेस्टेंट थी जिन्होंने अरमान से सवाल किया था कि अगर यही चीज़ पायल करती तो वो क्या करते। दरअसल सना ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी एक आदत है, मैं चीज़ों को आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह से पहले समझती हूँ और फिर अपनी राय बनाती हूँ। तो हुआ क्या था, अरमान कृतिका और अरमान पायल की शादी पर बात चल रही थी और उन्हें इस बात का बहुत घमंड हो रहा था कि मेरी दो बीवियां हैं। तो मेरे दिमाग में सवाल आया कि अगर यही सेम चीज़ पायल करती, अगर वो दूसरे मर्द से शादी कर लेती तो तुम क्या करते। मैंने पूछ लिया और अरमान जी ने उस सवाल को सही तरीके से नहीं लिया, उन्होंने उसका बहुत ज़्यादा गलत जवाब दिया। सना आगे बोली, ये क्या बात होती है कि बीवी करे तो तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे और तुम चाहते हो कि तुम करो तो तुम्हारी बीवियाँ उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। मैं चुप हो गई, मैंने सोचा जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। सना ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि पायल मलिक उन्हें बहुत अच्छी लगती है और वो उन्हें प्यारी भाभी का हैशटैग देना चाहेंगी। वहीं इसी के साथ ही उनसे और भी सवाल किए गए थे जिसमें उनसे कृतिका मलिक और साथ ही साथ अरमान मलिक को लेकर भी सवाल किया गया। जी हाँ, अरमान को बुल और साथ ही साथ कृतिका को मंकी कहती हुई नजर आई हैं सना मकबूल अपने इस पॉडकास्ट में जो कि उनका हुआ। इस तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।